हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं रेणु चौबे, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ मोदी केयर इंडिया, एक मुहिम पर हूँ कि एक अवेयरनेस लोगों तक कैसे पहुंचा सकूं, क्योंकि खुद भी जब उसको अपनाया है तो आज बहुत हद तक कामयाब हूँ, सफल हूँ और एक नाम के साथ एक प्लेटफॉर्म का यूज कर रही हूँ। तो लोग कहते हैं ना, हमारे खर्चे तो बढ़ते जा रहे हैं पर उसके अगेंस्ट में इनकम का तो कोई भरोसा ही नहीं है। नौकरी है, कल होगी नहीं होगी, कटौती करनी पड़ेगी तो, पर एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस तो उतने ही होने वाले। ब्रश करना है तो करना है, फीस भरना है तो भरना है, नहाना है तो नहाना है, मतलब हर एक चीज करनी ही करनी। आप काटोगे क्या उसमें? तो एक जरिया दिखाना चाहती हूँ कि किस तरीके से आप अपने एक्सपेंसेस को इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक स्लाइड है जिसके जरिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि हो क्या रहा है। ये रहा मेरा जो टॉपिक, कन्वर्ट योर एक्सपेंसेस इनटू इनकम, अपने खर्चों को आमदनी में बदलिए कैसे। जैसे कि आप सबको पता है, हमारे डे टू डे जो लाइफस्टाइल बढ़ रहा है उसमें हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, एक टाइम में देखा जाए तो कुछ कुछ सालों, मतलब कई साल पहले 100 रुपए में हमारा घर चल जाता था। ठीक है, पर आज वही आप देखिए, आपके 2020 तक आते आते वही खर्चा 1 महीने का 1 लाख हो गया है, और आने वाले समय में अगर आपके पास 10 लाख है तो ही गुजार है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए 65% लोग आज दूसरी आमदनी के रास्ते ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो आमदनी उसके उनके पास है उससे हमारे खर्चे पूरे ही नहीं हो रहे। तो सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम अगर हमारे हाथ में रहेगा तो लोगों को लगता है कि चलो कुछ सहूलियत हो जाएगी। तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म जो मैं जिसके बारे में बता रही हूँ, मोदी केयर, आपको दूसरी आमदनी के लिए रास्ता प्रोवाइड करता है। ठीक है, खाली हमारी सोच बदलनी है। सोच बदलने से और एक दुकान बदलने से ये किया जा सकता है। आमदनी के लिए हमको कुछ अलग से काम नहीं करना है, सिर्फ आपके खर्चे जहां से हो रहे थे वो दुकान को आपको बदल देना है। कैसी दुकान? आपके मार्केट जहां से सामान ला रहे थे उसको कन्वर्ट कर देना है आपके मोदी केयर के स्टोर में। अब जैसे देखिए, हमारे खरीदी के तरीके भी अलग हो गए हैं। खरीदी क्या, हर एक चीज के तरीके अलग हो गए। पहले लोग साड़ियां पहनते थे, धोती पहनते थे, फिर फ्रॉक आया, मिडी आया, अभी और शॉर्ट्स आ गए, बहुत सारे जीन्स आ गया, मतलब तो सहूलियत है। ठीक है, आज क्या है, हम पहले कहाँ दुकान कहाँ से सामान लाते थे, किराने वाले से लाते थे। ठीक है, किराने वाले तक जाओ गाड़ी से, पैदल से, पहले यही होता था, उधार पर ले लो, उधारी 1 महीने तक करो और फिर चलता रहेगा। पर धीरे धीरे क्या हुआ, लोग बिजी होने गए या लेजी होने लगे, जैसा अभी भी बोलिए आप, तो फिर आ गया बिग बाजार, मॉल, रिलायंस, ये आ गया। अब लोगों को इजी हो गया, ट्रॉली उठाओ, बैग उठाओ, जाओ सारा डंप करो और आ जाओ। ठीक है, ये बहुत इजी हो गया। अब उसके बाद और लोग ज्यादा बिजी होने लगे तो फिर क्या करने लगे, अब घर से ऑनलाइन बिलिंग करने लगे। अमेजोन आ गया, फ्लिपकार्ट आ गया, बिग बास्केट। बिग बास्केट तो लोगों के लिए बहुत आसान हो गया, अमेजोन फ्लिपकार्ट बहुत आसान। फोन पर आप बिल ऑर्डर डालिए और विद इन 2 to 3 days आपके घर में चीज, मतलब आपको बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। पर होता क्या है, पहले के टाइम में जो डायरेक्ट सेलिंग, हम सामान कहाँ से लाते थे, एक दुकान से। दुकान कहाँ से ला रहा है, बीच में होलसेलर है, रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, वो पूरा गुजरते गुजरते आपके पास आ रहा है। तो सोचिए होता क्या था, 35 रुपए की चीज आप तक आते आते क्या हो रही है, 100 रुपया हो जा रही। पर भर कौन रहा है, मैं भर रही हूं। अगर मैं कमा कम भी रही हूं तो भी भर तो मैं पूरा ही रही हूं। तो सोचिए कितना बर्डन है मेरे सर पर। और इसमें जो मिडिल मैन जितने भी हैं, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, एडवर्टाइजर्स हो, उनके घर में हमारे पैसे जा रहे हैं। अगर वो कुछ परसेंटेज लेते हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं, 30 सेकेंड 40 सेकेंड का एड देते हैं और मजे से एक फेस वैल्यू की वजह से वो पैसा ले जा रहे हैं, पर भुगत कौन रहा है, हम या आम आदमी। ठीक है,
अब इसी चीज को थोड़ा सा अगर चेंज करें, हम जो ट्रेडिशनल से डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में आएंगे तो हमको बहुत सारा बेनिफिट है। इसमें बेनिफिट ये है कि आप देखिए, मैन्युफैक्चरर और आपके बीच में कोई भी मिडिल मैन नहीं है। मिडिल मैन नहीं है तो ये दुकान चलेगी कैसे? या तो क्वालिटी और सिर्फ प्राइसिंग पर, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रमोटर नहीं है बताने वाला, कोई आपको एक अपना फेस वैल्यू दिखा के सामान बेच के नहीं जा रहा है। आपको मैंने आज सामान दिया, आपने लिया, अगर क्वालिटी नहीं होगा तो आप लेंगे ही नहीं। तो आज का जो ट्रेंड है डायरेक्ट सेलिंग, यानी सबको चाहिए कि जहां बन रहा है वहां से मुझे आए, ताकि किफायती दाम में आए और मेरी वजह से कोई दूसरा मिडिल मैन बिना कुछ किए पैसे ना कमाए। ठीक है, अब होता क्या है, ये अगर आप देखें ये चार्ट, जीवन में रोजमर्रा के सामान पर होने वाले खर्च, आम अगर फैमिली है, मिडिल क्लास पीपल जो हैं, अगर उनका खर्चा 5,000 पर महीने होता है, 12 महीने तक लेते हैं, और एक नॉर्मल जो हमारी जिंदगी है 70 साल की होती है नॉर्मल पर्सन की, ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे कितना खर्चा हो रहा है, ऑलमोस्ट 4 लाख के ऊपर जा रहा है। ठीक है, जो मिडिल मैन जो मैंने आपको दिखाया था ट्रेडिशनल बिजनेस में, उसमें 70% जो है मिडिल मैन को चला जा रहा है। तो आप देखिए 70% अगर वहां जाता है तो कितना उसके पास चला जा रहा है, 29 के ऊपर चला जा रहा है, ये फिगर आप देख सकते हैं, 29 लाख के ऊपर जा रहा है। और अगर वही लोअर मिडिल क्लास पब्लिक है जो अपना बजटेड करके सामान लाती है 3,000 का, 12 महीने और 70 साल तक जीने वाली है, तो आप देखिए उसके खर्चे मिडिल मैन को कितना जा रहा है। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि 70% जो आपके पैसे हैं वो सिर्फ बिचौलिए ले जा रहे हैं इतने सालों में। तो ये आपके बर्दाश्त होगा कि आपकी कड़ी मेहनत का पैसा आप पर खर्चा ना हो के किसी और के घर भर रहे हैं? तो अभी सोचने वाली बात आ गई है कि हम ये मिडिल मैन को पैसा दें जो हमारी जिंदगी में कोई भी तरीके से वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं। तो आप देखिए, अब आप अपने खर्चों को आमदनी में बदल सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अभी तक तो आपने खर्चा कर दिया, ठीक है, आपके पैसे मिडिल मैन ऑलमोस्ट 70% ले जा रहा है। अब सोचना पड़ेगा कि मैं मेरे खर्चे मेरे उनको दे दूं, या मैं उसी एक्सपेंसेस को इनकम में कन्वर्ट करूं। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, हमारे पास एक ऑप्शन है मोदी केयर सुपर स्टोर। इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी 24 आवर सर्विस आपको मिलती है, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको आज सुबह से लेकर कल सुबह तक के प्रोडक्ट यहाँ पर मिलते हैं। आप चाहे उसको ऑनलाइन खरीदिए, ऑफलाइन खरीदिए, स्टोर पर जाइए या उसके ऑफिस में जाइए, कहीं से भी आप ये सामान खरीद सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में। मिनिमम परचेज, मिनिमम आपका कुरियर चार्जेस लेता है, अदरवाइज वो भी फ्री है 4,000 के ऊपर। अब आप बोलोगे मोदी केयर से क्यों लूं मैं, तो मोदी केयर से लेने का क्यों, क्योंकि ये एक तो बहुत बड़ी प्रोफाइल कंपनी है जो कि आपके फाइनेंस फ्रीडम के लिए काम कर रही है। ठीक है, ऑलमोस्ट 65,000 करोड़ का बैकअप लेके आपके साथ है, 90 अलग अलग देशों में उसका खुद का व्यापार है, और इसमें जुड़ने वाले कम से कम 28,000 से भी ऊपर कर्मचारी हैं। और ये जिस मोटो पर काम करती है वो है सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। सोच क्या बदलनी है, एक दुकान बदलनी है। खुद को क्या करना है, हमको उस दुकान से सामान लेना है, अच्छा लगा तो हमको दूसरों को शेयर करना है। क्यों शेयर करना है भाई, उनके भी तो खर्चे हैं, उनकी भी तो आमदनी कम है, तो क्या करेंगे वो? तो अगर मैं लोगों से प्यार करती हूँ, चाहती हूँ, तो उनकी भी तो मदद करना चाहूंगी ना मैं। तो यही चीज है, तो मोदी केयर उसी के लिए खड़ा है, जिसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है समीर मोदी जी, इनकी सोच ही अलग थी कि मैं मेरे देशवासियों के लिए कुछ करूं, उनकी जिंदगी में कुछ बदलाव लाऊं और उनके घर में खुशियां लाऊं, आमदनी लाऊं, सपने पूरे करूं, उसके लिए उन्होंने मोदी केयर को लेकर आए।
मोदी केयर का जो अगर प्रोफाइल जैसे मैंने बताया 65,000 करोड़ का प्रोफाइल है, प्रोडक्ट रेंज बोले ऑलमोस्ट 13 कैटेगरीज के प्रोडक्ट हैं जिसमें आपको सप्लीमेंट्स हैं, कलर कॉस्मेटिक, स्किन केयर, फूड एंड बिवरेज, एग्रीकल्चर, होम केयर, मतलब बहुत बड़ा रेंज है। अब आप बोलोगे चलो ठीक है मैंने मान लिया कि दुकान बदलने पर, दुकान मेरी दुकान और आप में क्या फर्क है, तो वो भी देख लीजिए। आपकी दुकान कभी भी किसी चीज की गारंटी नहीं देती है, ठीक है? डिस्काउंट के नाम पर बहुत बहुत फेस्टिवल में देगी, सेल में देगी, अदरवाइज नहीं देगी। यहाँ पर आपको 100% गारंटी है, अप टू 20% डिस्काउंट है, वो भी लाइफ टाइम है, ये समझिए। आपकी दुकान कभी भी कोई फ्री प्रोडक्ट या ऑफर नहीं देगी। मेरी दुकान 10 से 12% का आपको फ्री प्रोडक्ट देगी, एवरी मंथ देगी और लाइफ टाइम देगी। कैशबैक की बात करें, आपकी दुकान कैशबैक नहीं देगी, पॉइंट देगी, वो भी वैलिडिटी है 2-3 महीना, उसके बाद वो चला गया। मेरी दुकान आपको यहाँ 5% बोल रहा है पर आपको 7% से लेकर 16% तक का कैशबैक देती है, वो भी जुड़ते क्रम में। जैसे जैसे आप सामान खरीद रहे हैं आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम से आपका लेवल बढ़ रहा है, और लेवल बढ़ने से आपके कैशबैक आ रहा है। लॉयल्टी के नाम पर आपकी दुकान आपको आपको लॉयल कस्टमर मानेगी नहीं, क्योंकि आप कभी अमेजोन जा रहे हैं, डीमार्ट जा रहे हैं, रिलायंस जा रहे हैं, बिग बाजार जा रहे हैं, पर मेरी दुकान आपको लॉयल्टी के नाम पर, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि 6 महीने के बाद 1 महीने का सामान फ्री, 12 महीने में 2 महीने का सामान फ्री, यानी साल में 3 महीने का सामान 100% एवरेज के हिसाब से आपको दे दिया जाता है। तो ऑलमोस्ट देखिए तो 50 to 55-60% तक के बेनिफिट में आप यहाँ प्रोडक्ट ले रहे हैं। आपकी दुकान में देखिए छूट के नाम पर, बेनिफिट के नाम पर कुछ नहीं है। मेरी दुकान आपको 55% दे रही है स्टार्टिंग में, उसके बाद अगर देखा जाए तो बहुत बहुत बेनिफिट देती है। अच्छा, अब बात हो गई कि मैंने दुकान बदला तो मुझे ऑलमोस्ट 50-55% तक के डिस्काउंट मिल गए। अब अगर मुझे उसमें से आमदनी लेना है तो कैसे? आमदनी लेने के लिए ये है कि आप यहाँ से ऑलमोस्ट 10 टाइप्स ऑफ इनकम है जो आप ले सकते हो, भले आप 7% परसेंटर हो या आप एक डायरेक्टर लेवल में हो। तो कैसे लेना है? आप जब इसको यूज करना शुरू करते हैं और उसको प्रमोट करना शुरू करते हैं, तो जैसे कि यहाँ दिखाया है सेविंग ऑन कंसम्पशन, अप टू 20% आप रिटेल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ बोनस प्रोवाइड किया जाता है 7 to 16%, जो मैंने बोला एक टाइम आप डायरेक्टर बन जाते हो, क्वालिफाइड डायरेक्टर, तो 4% वहां से आने लगता है। ड्रीम कार है, ड्रीम व्हीकल है, ट्रैवल है, बहुत सारे यहाँ पर ऑलमोस्ट 7-10 एरियाज ऑफ इनकम यहाँ दिया जाता है। और अगर बात करें, आपने बोला चलो इतना तो मैंने मान लिया, अब जर्नी बताइए कि मैं कैसे मानूं कि ब्योंदी केयर ही बेस्ट है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, वेस्टीज है, एमवे है, लाइफ ओके, बहुत सारे हैं। आज तो नेटवर्क मार्केटिंग धूम कर दिया, क्यों? कि इसका प्रोफाइल बड़ा है और आने वाले वक्त में 2025 तक नेटवर्क मार्केटिंग ही बूम करने वाला है, और उसमें अगर बेस्ट कंपनी है तो मोदी केयर, क्योंकि लास्ट 26 साल से टिकी हुई है, प्रोफाइल बड़ा है। कहते हैं ना किसी भी कंपनी को चुनना है तो 3 ही चीज देखनी है, प्रोफाइल, आपका प्लान एंड प्रोडक्ट। प्रोफाइल 65,000 करोड़ तक का है, प्रोडक्ट बोले तो ऑलमोस्ट 700 के ऊपर के प्रोडक्ट है, और विदिन सून कुछ महीनों में 1,000 के ऊपर प्रोडक्ट चले जाएंगे। और प्लान अगर बात करें तो 62% पे आउट में आपको भी यहाँ पर मनी वापस रिटर्न कर देती है एज ए इंसेंटिव या इनकम। तो अगर उसकी सफर की बात करें, देखिए 2014 तक उसका क्या था, और इस अभी कोरोना काल में उसका जो सफर है वो ड्रास्टिक चेंज है। मतलब ऑलमोस्ट उसको अगर कहें तो 200% के ऊपर का राइज किया है उसने। ये देखिए सेल आपको दिखा रहा है कोरोना के टाइम में, जब लोग कहते हैं ना वाइल कोरोना शेक्स दैट टाइम मोदी केयर वाज मेकिंग द इंडिया। अब सेल देख लीजिए कितना बड़ा कॉल यहाँ पर आपको आगे बढ़ती जा रही है। 2025 तक का अगर दिखाया जाए कि ग्रोथ रेट, तो आप ग्रोथ रेट देख लीजिएगा, इसमें इतने सारे कंसल्टेंट और इतने सारे लोग जो कि करोड़ों की इनकम ले रहे होंगे, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये फिक्की जो इसका एसोसिएशन है वो उसने ये दावा किया है कि इसका प्रोफाइल एंड पिक्चर और फ्यूचर इतना ब्राइट है कि पूछे मत। कुछ अगर लोगों की बात करूं, आप बोलोगे कि
कुछ लोगों के बारे में बताओ कि जो लोग सक्सेस हुए हैं। देखिए संभावनाएं क्या बोल रही हैं कि यदि 10,000 लोग अपने घर का 2,500 का सामान लेते हैं, यानी ऑलमोस्ट 1,000 बीवी होता है, बिजनेस वॉल्यूम पर ही आपको पैसे आते हैं, तो आपकी आमदनी, यानी आपकी आमदनी कितनी होगी अगर आपके नीचे 10,000, सिर्फ सोचिए 10 लोग भी है आपने शेयर किए। अब उन 10 लोग के भी तो 10-10 लोग होंगे, उनके मोबाइल में 10-10 लोग तो होंगे, अगर उन लोगों ने भी चेंज कर दिए, इस तरीके से अगर आपके नीचे सिर्फ 10,000 लोग हैं और अपने घर का 2,500 का ही सामान लेते हैं, तो आपका जो अप्रॉक्स इनकम बनता है पर मंथ वो 10 लाख के ऊपर है। यहाँ से सामान खरीदने पर या एक दुकान बदलने से मिल क्या रहा है? आपकी दुकान में ना क्वालिटी था, ना रिजल्ट था, ना कोई ऐसा स्कोप था रिटर्न करने का, पर यहाँ पर आपको वो सारे पैरामीटर्स पर ये खरी उतरने के बावजूद क्वालिटी देती है, रिजल्ट देती है, रिटर्न की गारंटी देती है, यूज करने के बाद भी आप प्रोडक्ट को वापस करते हैं, उसके बाद क्या देती है आपको? घर देती है, गाड़ी देती है, विदेश यात्रा देती है, मान सम्मान, ऐसा आपने सोचा भी नहीं होगा, इतना मान सम्मान आपको फेमस कर दिया जाएगा जितना कि एक सेलिब्रिटी होता है, सेलिब्रिटी से भी बड़ा स्टार आपको यहाँ बना दिया जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो सफल हैं यहाँ पर। ये देखिए एक रिटायर्ड डीएसपी हैं जो आज मोदी केयर में एक नेटवर्क को बिल्ड कर कितनी बड़ी इनकम जनरेट कर रहे हैं। ये एक पानी के पाउच बेचने वाले पर्सन हैं, विजय अग्रवाल, जिनके पास कभी कर्जे में पूरा टाइम ये रहते थे, घर नहीं था, गाड़ी नहीं था, खाने को पैसा नहीं होता था, पर वैसा आदमी भी आज कंसिस्टेंटली काम कर रहा है ऑलमोस्ट 3 इयर्स से, तो आप उनका पे आउट दे सकते हैं। ऐसे ही हर फील्ड से यहाँ पर लोग हैं, ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे ही लोग होने चाहिए इस बिजनेस में। देखिए एक स्टूडेंट भी है जिन्होंने बहुत कम उम्र में इसको काम करना शुरू किया, आज 26 साल की ही है और जैगुआर कार चला रही है, वो भी मोदी केयर से लिए हैं उन्होंने। पेमेंट आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 14 लाख के करीब में है। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है। और ये जो दुकान बदलने की बात की जा रही है, ये न कि आपको प्रोडक्ट दे रही है पर एक बहुत बड़ा पैसिव इनकम का सोर्स दे रही है। अब आप सोचिए हम लोग काम क्यों करते हैं? हम हमारे बच्चों के लिए काम करते हैं कि उनकी जिंदगी अच्छी हो जाए? एक दुकान बदलने से अगर हम उनकी जिंदगी को और संवार सकते हैं, उनके लिए एक पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं, उनकी लाइफ में एक लेगेसी ला सकते हैं, तो क्यों नहीं? तो आप देखिए कुछ समय काम करने के बाद जिंदगी में आराम ही आराम है। एक और चीज लोग कहते हैं ना, किसने देखा है, तो ये जो चीज है ये जिंदगी केयर जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है, क्योंकि आपने अगर एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया तो आप चले गए, लेकिन आपके नीचे वाले तो हैं, वो नहा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो आपका बिजनेस तो चल ही रहा है। तो जो ये कह रही है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, वो रियलिटी है। और जो मैं कहती हूँ जेनरेशन को दिया जाता है, तो आज इस नेटवर्क इंडस्ट्री में 4th जेनरेशन चल रही है जो कि काम कर रही है, सफल है और एक अच्छे पे आउट से उसने स्टार्ट किया। अब आप बोलोगे ठीक है हमने मान लिया, तो आप कैसे स्टार्ट करें? तो स्टार्ट करने का बस एक ही मोटो है कि यहाँ का जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो लाजवाब है। आप ऑनलाइन, ऑफलाइन, जूम पर, यूट्यूब पर, हर जगह आपको ट्रेनिंग मिल जाती, कहीं जाने की, ट्रेनिंग सेंटर में जाने की भी जरूरत नहीं है, आप अपने घर से ट्रेनिंग ले सकते हैं। और आप देखिए ट्रेनिंग लेने के बाद होता क्या है, आप एक कुत्ते को भी बहुत ट्रेन कर सकते हैं, वो आपके इशारों पर नाच सकता है, एक हाथी देखिए एक गाड़ी चला सकते हो, जंगल में रहने वाला जानवर ट्रेन होने के बाद क्या कर सकता है? सोचिए कि अगर प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ, प्रॉपर माइंडसेट के साथ सिर्फ एक दुकान बदल लीजिए, तो आप एक हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं, एक पैसिव इनकम का सोर्स क्रिएट कर सकते हैं, और इसके लिए करना कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप बोलोगे चलो मेरा माइंडसेट ठीक हो गया, मैं एक दुकान बदल देता हूँ या बदल देती हूँ, अब करना क्या है? और करना ये है कि यहाँ पर ज्वाइनिंग भी फ्री है, ज्वाइनिंग के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता है, खाली आपका रजिस्ट्रेशन। अभी आप बैंक में भी जाते हो, समझिए आप जब बैंक में जाते हो तो वहां भी तो आधार कार्ड, पैन कार्ड देते, वहां तो कोई क्वेश्चन पूछता नहीं कि क्यों लिया मेरे से, वहां आप पैसा रखने के लिए जा रहे हैं तो आप दे रहे हैं, यहाँ आप पैसा मिल रहा है
मिलने के लिए फिर सवाल क्यों? तो मिलने के लिए भी आपको आधार पैन कार्ड देना है, ईमेल आईडी देना है, फोन नंबर देना है, और उससे आपका ज्वाइनिंग फ्री में हो जाता है। और कहते हैं ना, ज्वाइनिंग करने के बाद आप सिर्फ एक दुकान बदलिए, प्रोडक्ट यूज करिए, अच्छे लगे तो शेयर करिए, उसको भी अच्छे लगे तो उसको स्पॉन्सर करिए, और आप अपना बिजनेस यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। इतना इजी चीज है, इतना इजी स्टेप है, और मैं तो कहूंगी इतना ही, तीन ही सवाल अपने आप से पूछिए, क्योंकि आप अपने परिवार के लिए सारे काम करते हैं ना, उनकी जिंदगी को संवारने के लिए, उनके सपने को पूरा करने के लिए, माँ बाप हो, बच्चे हो, भाई बहन हो, किसी के लिए भी। तो करना यही है कि मोदी केयर जब आपके साथ है, आपको हर फैसिलिटीज देने के लिए खड़ी है, उसका प्रोफाइल देख लिया, उसका प्रोग्रेस देख लिया, उसका ट्रेनिंग सिस्टम देख लिया, हर एक चीज, तो मैं यही बोलूंगी कि मोदी केयर नहीं करोगे तो क्या करोगे? क्या ऑप्शन है आपके पास, सेकंड ऑप्शन? ठीक है, अभी नहीं करोगे तो कौन करेगा, और आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? तो ये सवाल अपने आप से जरूर पूछिए कि मेरे पास सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए क्या है। दुकान डालोगे तो पैसा डालोगे, कहीं नौकरी करोगे तो समय डालोगे, फ्रस्ट्रेशन आएगा क्योंकि उतना ग्रोथ नहीं आएगा, पर यहाँ पर मोदी केयर आपको हर एक चीज दे रही है। तो अपने आप से बार बार सवाल करो कि मोदी केयर नहीं तो क्या, मैं नहीं तो कौन? आपकी जिम्मेदारी है ना अपने परिवार की देखभाल करने की, तो आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? और अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? क्योंकि प्यास भी अभी लगी है, तकलीफें भी अभी हैं, तो कुआं तो अभी खोदोगे कि 10 साल के बाद खोलोगे, उसको खोदोगे? तो ये सवाल अगर आप पूछते हैं और आपको आंसर मिल जाता है, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं रेणु चौबे को। मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9898183585 पर, क्योंकि मैं भी इन्हीं सब चीजों से गुजरी हूँ और आज मैं सफल हूँ। अगर मेरे बारे में बताऊँ, मैं भी एक सिंपल सी हाउसवाइफ हुआ करती थी, पढ़ी लिखी, क्योंकि मैं डॉक्टरेट हूँ, पीएचडी किया है, पर कभी कभी कहते हैं ना, आपको घर के दायरे में रख दो तो आपका कॉन्फिडेंस हट जाता है, पर जब आप अपने लिए काम करने लगते हो, कॉन्फिडेंस हाई होने के साथ, जब मुझे बहुत अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट मिला, प्लस मुझे एक सब्सिडी आने लगा, तो मैंने सोचने पर मजबूर होगी कि यार, जब मुझे है तो मेरे चाहने वाले भी तो बहुत है, मेरे रिश्तेदार जिनको मैं पसंद करती हूँ, प्यार करती हूँ, क्या मैं उनकी जिंदगी में एक वैल्यू नहीं ऐड कर सकती? तो इसी के लिए मैंने जब काम करना शुरू किया, तो मैं बहुत सारे लोगों के टच में आई, उनकी लाइफ में आज वैल्यू ऐड कर रही हूँ, उनके चेहरे पर खुशियां ला रही हूँ, और उनके छोटे से छोटे सपनों को इसी प्लेटफॉर्म से पूरा होते हुए देख रही हूँ। तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, सुकून की नींद है, साथ में मैं एक नोबल कॉज भी कर रही हूँ। तो जब मैं कर सकती हूँ एक सिंपल सी हाउसवाइफ, तो आप क्यों नहीं? तो सोचिए, समझिए, और फिर मुझे संपर्क करिए, क्योंकि संपर्क करने के लिए भी पैसा नहीं लगता है। तो हमारे एक्सपेंसेस को हम नहीं कम कर सकते, पर हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं हमारे इनकम में। तो आप मुझे संपर्क करिए और कॉल करिए, और फिर मिलेंगे दूसरे किसी टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।